नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव का बिगुल बजने के बाद लगी आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए पुलिस और प्रशासनिक अमला पूरी तरह से चुस्त हो गया है और जगह जगह वाहन चेकिंग सहित पोलिंग बूथों के निरीक्षण का कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में यूपी की सीमा से लगे हुए लगभग 12 चेकिंग प्वाइंट का निरीक्षण एसडीएम त्योथर पी के पांडे और एसडीओपी त्योथर उदित मिश्रा सहित पूरे अमले ने किया। इस दौरान सभी जगहों का गहन परीक्षण किया गया और यहां किस प्रकार से नाके लगाए जाएंगे, कर्मचारियों की ड्यूटी क्या रहेगी और सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से क्या इंतजाम किए जाएंगे, इसका निरीक्षण किया गया। इसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने रीवा जिले की यूपी की सीमा से लगे हुए क्रिटिकल पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया। यहां पर मतदान के दौरान होने वाली व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया, साथ ही यहां के मतदाताओं से भी चर्चा की गई, जिससे उन्हें मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। एसडीओपी त्योथर उदित मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल और पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देश पर लगातार रीवा जिले के यूपी की सीमा से लगे हुए दर्जन भर चेक पोस्टों का निरीक्षण और परीक्षण किया जा रहा है। साथ ही सीमा से लगे हुए जितने भी क्रिटिकल पोलिंग बूथ हैं उनकी व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया जा रहा है। इन जगहों पर जो भी कमी पाई जा रही है उसे पूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा मतदान को लेकर मतदाताओं से भी चर्चा की जा रही है, जिससे उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अमला देर शाम सुहागी पहाड़ पहुंचा, जहां आने और जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की गई। इस दौरान सबसे ज्यादा रीवा जिले के बाहर से आने वाले वाहनों की जांच की गई, साथ ही टोल प्लाजा वालों को भी वाहनों पर नजर रखने की हिदायत दी गई है।